आज हम बात करने वाले हैं वेरीफाइड बैज या फिर ब्लू टिक की, जो कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट्स एंड फेसबुक पेजेस पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये जो वेरीफाइड बैज है ये किन लोगों को दिया जाता है। दूसरा, हम ये बात करेंगे कि आप क्या ये वेरीफाइड बैज अपने अकाउंट या अपने पेज के लिए ले सकते हैं या फिर नहीं। और तीसरी हम बात करेंगे कि अगर आपको वेरीफाइड बैज लेना है तो आपको क्या करना होगा। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि एक बार अगर आपके पास वेरीफाइड बैज आ गया तो वो किन कंडीशंस में कैंसिल भी हो सकता है या फिर आपको किन चीज़ों का वेरीफाइड बैज लेने के बाद ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ अबाउट वेरीफाइड बैज एंड ब्लू टिक हम डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये जो नया सेटअप है ये कैसा लगा। और जिसने अभी तक WS Cube Tech को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट्स एंड फ्री कोर्सेज। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो ये जो वेरीफाइड बैज है या फिर कई लोग इसे ब्लू टिक भी बोलते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखता है आपके अकाउंट्स पर। तो अब इससे होता क्या है? तो देखो, होता ये है कि जब भी आप कोई एक ऐसा अकाउंट देखते हैं या फिर कोई ऐसा पेज देखते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जिस पर ये वेरीफाइड बैज आया हुआ है, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट पेज और दैट पर्सन कि हाँ भाई वो पर्सन जो है ऑथेंटिक है। इवन मान लो अगर कोई टीवी एक्टर है या फिर कोई सेलिब्रिटी है, उसका भी अगर आप कोई अकाउंट, मान लो आपने किसी का नाम सर्च किया जैसे शाहरुख खान, ठीक है, अगर जैसे मैंने शाहरुख खान सर्च किया और मुझे वहां पर मल्टीपल जो है पेजेस दिखाई देंगे, मल्टीपल अकाउंट दिखाई देंगे, उसमें से मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये जो अकाउंट है ये एक्चुअल में शाहरुख खान का है, ही इज बेसिकली मैनेजिंग दैट, या फिर उसका वो ऑफिशियल अकाउंट है? तो वो मुझे पता चलेगा ब्लू टिक से या फिर वेरीफाइड बैज से। तो सबसे पहली चीज कि आखिर ये क्या काम आता है, तो ये आपकी जो ऑडियंस है वो आप पर ट्रस्ट करे, एक उन्हें पता चले कि हाँ यार जिस पर्सन को हम ढूंढ रहे हैं या फिर जो ये पर्टिकुलर बिजनेस है ये ऑथेंटिक है। लेकिन अगर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करूं तो यहां पर अगर किसी पर्सन के पास वेरीफाइड बैज है तो हमारे माइंड में यही आता है कि अरे यार ये पर्सन सेलिब्रिटी है। लेकिन इसका जो एक्चुअल यूज है वो यही है कि इंस्टाग्राम आपको वेरीफाई कर रहा है एज अ पर्सन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जो हैं आप रियल हैं, आप ऑथेंटिक हैं। तो अगर किसी पर्सन के पास में कोई वेरीफाइड बैज है तो इसका मतलब ये नहीं है वो सेलिब्रिटी है, लेकिन इसका मतलब डेफिनेटली यही है कि हाँ भाई वो पर्सन ऑथेंटिक है, जिस नाम से वो पर्सन वहां पर है वो एक्चुअल में वो पर्सन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी पर्सन के पास वेरीफाइड बैज नहीं है तो वो पर्सन फेक है। अब इसका रीजन ये है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का ये जो वेरीफाइड बैज अलॉट करने का तरीका है या फिर वेरीफाइड बैज असाइन करने का तरीका है ना, ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल है। आई मीन देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग जो मैं आपको बता दूं कि आप ये कर लो और आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये जो वेरीफाइड बैज है क्या ये आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, कितने फॉलोवर्स आपके होने चाहिए। तो देखिए, इसमें आपके कितने फॉलोवर्स हैं, कितने आपका एंगेजमेंट है, कितने टाइम से आप इंस्टाग्राम पर हो या फेसबुक पर हो, ये कोई भी मैटर नहीं करता है। इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसमें आप अप्लाई करते हो और वहां से वो आपको वेरीफाइड बैज आ जाता है। तो यहां पर अगर आपके 10 भी फॉलोवर्स हैं या 100 फॉलोवर्स हैं या 10,000 फॉलोवर्स हैं या फिर 1,000,000 फॉलोवर्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरीफाइड बैज आपको मिल सकता है। लेकिन अगेन जैसा मैंने बोला कि इनका जो ये अलॉट करने का जो प्रोसेस है, कहते तो वो ये हैं कि भाई अगर आप रियल हैं, आपने अपना आईडी सबमिट किया, आपने वेरीफाई किया तो हम आपको ये वेरिफिकेशन बैज दे देंगे, लेकिन इनका जो अलॉट करने का स्टाइल है वो किसी को भी नहीं समझ में आया अभी तक, ये सिर्फ इंस्टाग्राम को पता है और किसी को नहीं पता। तो मैं आपको सबसे पहले जो इंस्टाग्राम का ब्लॉग है जहां पर इंस्टाग्राम ने या फेसबुक ने बात की है अबाउट वेरीफाइड बैज, उस पर ले चलती हूं। तो वहां पर एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है वो ही मैं आपको बताने वाली हूं। तो अब यहाँ पर मैंने ये एक पार्ट खोला है जो इंस्टाग्राम का हेल्प सेंटर है उसका। तो अब यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर अ वेरीफाइड बैज ऑन इंस्टाग्राम। तो आपको मैं ये इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खुद जाकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको वेरीफाइड बैज लेना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर इंस्टाग्राम कह रहा है वी लुक एट अ नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हेन इवैल्यूएटिंग इंस्टाग्राम्स अकाउंट टू बी डिटरमाइन इफ दे मीट आर वेरिफिकेशन क्राइटेरिया। मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो वो कंसिडर करता है। तो सबसे पहली चीज कि इंस्टाग्राम की जो टर्म्स ऑफ यूज हैं, इंस्टाग्राम की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, जो कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेम होती हैं, ठीक है, कोई भी सेल्फ हार्मिंग कॉन्टेंट,
कंटेंट या कोई भी सुसाइडल कंटेंट या फिर कोई एडल्ट कंटेंट इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो ही आपको जो है ये वेरीफाइड बैच मिलेगा। उसके अलावा आपका अकाउंट जो ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, एक रियल पर्सन, एक रियल बिजनेस, रियल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आपका अकाउंट यूनिक होना चाहिए। जैसे कि मान लो शाहरुख खान का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो शाहरुख खान अगर ऑलरेडी अवेलेबल है और वहीं अगर शाहरुख खान का कोई दूसरा पेज बनता है और उसको भी वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं, हाँ शाहरुख खान की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो वेरीफाई हो सकती है, लेकिन शाहरुख खान जो एक्चुअल पर्सन है उसके दो अकाउंट नहीं बन सकते। अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसका नेम भी शाहरुख खान है और लेकिन वो पर्सन अलग है तो वो वेरीफाई हो सकता है, लेकिन सेम अकाउंट एक ही पर्सन के नहीं वेरीफाई हो सकते। तीसरी चीज, आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीट होना चाहिए, और इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग कंप्लीट का मतलब होता है सबसे पहले आपके अकाउंट का एक प्रॉपर यूजर नेम हो, एक नाम हो, और दूसरी चीज आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट अकाउंट वेरीफाइड नहीं होंगे। बाद में आप, हो सकता है आप उनको कर लीजिए प्राइवेट, लेकिन इसमें भी आप प्राइवेट पब्लिक ऐसे करते रहेंगे तो आपका वेरिफिकेशन जो बैज है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो आपका अकाउंट कंप्लीट होना चाहिए, यानी जो आपका है प्रॉपर बायो होनी चाहिए, प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए और पब्लिक होना चाहिए आपका अकाउंट, ठीक है। उसके अलावा नोटेबल, अब ये फोर्थ जो चीज है ना, ये इंस्टाग्राम ने रिसेंटली ऐड की है बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंफ्यूजन जो अभी तक चल रहा था। तो इंस्टाग्राम कहता है कि भाई आपका अकाउंट नोटेबल होना चाहिए, कि आप एक वेल नोन, हाईली सर्च्ड फॉर अ पर्सन होने चाहिए, मतलब आपको जो है लोग बहुत सर्च करते हैं, ठीक है, आपके बारे में जानना चाहते हैं, एक नोटेबल पर्सन या नोटेबल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन हमने अभी रिसेंट टाइम में देखा है कि इंस्टाग्राम जो है वो कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ या फिर कह लो कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जिनके अराउंड 10K 20K फॉलोअर्स ही हैं, उनको भी या तो हो सकता है वो चीज़ गलती से हुई हो या फिर कुछ एल्गोरिदम में मिस्टेक की वजह से हुआ, लेकिन उनको भी वेरीफाइड बैज मिला है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ चीज़ है ना, ये भी आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो अब यहाँ पर मैं आपको जो है तरीका बताने वाली हूँ कि कैसे आप इस ब्लू टिक के लिए या फिर ये वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने अकाउंट की जाना है, आपकी जो प्रोफाइल है उसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आप जाएंगे अपने अकाउंट पर। अकाउंट में जाने के बाद में आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा दिस रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन का, तो इसको आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन करेंगे, ये इस तरह से आपको आ जाएगा, आपका यूज़र नेम, आपका फुल नेम, तो फुल नेम मैं यहाँ पर जैसे अपना डाल देती हूँ, ओके, माय नेम, देन डॉक्यूमेंट टाइप। अब आप कौन सा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, तो देखो ड्राइवर लाइसेंस है, पासपोर्ट है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ये मोस्टली जैसे आधार कार्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर ड्राइवर्स लाइसेंस जो है ये यहाँ पर कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपको आपकी फाइल चूज करनी है, यानी ये जो आईडी है ना ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये जल्दी से कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने जो है अपना ये जो ड्राइवर्स लाइसेंस था इसकी फोटो जो है अपलोड कर दी है। देन कन्फर्म नोटेबिलिटी, ठीक है, कि मतलब अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप भाई क्यों नोटेबल हो। तो मैं एक जो है एक नॉर्मल जो है जैसे कंटेंट यहाँ पर डाल रही हूँ, जैसे कि अभी मैं डिजिटल क्रिएटर में डाल रही हूँ, ठीक है। कंट्री रीजन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ इंडिया। अब उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज़ ऑडियंस। तो जो ऑडियंस सेक्शन है इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है कि आप क्या तरीके का कंटेंट बनाते हो, क्यों लोग आपको फॉलो करते हैं, किस तरह के कंटेंट के लिए आपको जो है लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा पैराग्राफ अबाउट यू या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पर दे सकते हो। ऑल्सो नोन एज, मतलब और किस नाम से आपको जाना जाता है। तो अगर आपका कोई लेट्स से YouTube चैनल है या फिर लेट्स से आपका कोई बिजनेस एंटरप्राइज है जिससे भी लोग आपको सर्च कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, बट These are important things, ठीक है। ये YouTube को ये बताने में कि भाई you are actually a notable person, ये काफी helpful रहती है। उसके अलावा आप अपने links डाल सकते हो। अब links किस चीज़ के डालोगे, आप अपनी website के link, let's say you are a blogger, तो आप अपनी website का link, उसका जो traffic है वो देखेगा जो Instagram है वो। उसके अलावा जैसे मान लो आप Facebook पर हो, Facebook पर already आपके पास verified badge है, या फिर नहीं भी है तो आप अपने page का link, अपने Pinterest का link, अपने YouTube channel का link, ये सारे links जो है यहाँ पर डाल सकते हो। अगेन ये ऑप्शनल है, बट दे आर इंपॉर्टेंट, बेसिकली determine your notability, ठीक है। तो ये चीज़ हम जो है अभी के लिए, मैं इसको क्योंकि मैं आपको जस्ट बताने के लिए ये चीज़ें कर रही हूँ, तो यहाँ पर हम लिंक्स डाल देंगे। बहुत सारे लिंक्स आप डाल सकते हो, तो जितने भी आपके लिंक्स हैं, जैसे कोई आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ है कभी, ठीक है, कोई आपने न्यूज़ में कभी आपका नाम आया है, तो ये सारे लिंक्स आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। मतलब कहीं भी आपका, कहीं भी किसी अच्छी वेबसाइट पर नाम आया है, विकीपीडिया पर कोई आपका लिंक लगा हुआ है,
सब आप यहाँ पर जो है उसके फॉर्म में डाल सकते हो, जिससे कि इंस्टाग्राम वेरीफाई कर पाए कि हाँ भाई आप एक पॉपुलर पर्सन हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं डाल रही हूँ, ये करने के बाद में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सबमिट हो गई है। ये जो है 30 डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स आएगा कि आपकी वेरिफिकेशन जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हुई या नहीं। 30 डेज के बाद में आप वापस से जो है ये रिक्वेस्ट जो है डाल सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपकी ये जो रिक्वेस्ट है ये डिक्लाइन हो जाती है, मतलब मना हो जाती है, इंस्टाग्राम आपको वेरीफाई करने से मना कर देता है, तो आप 30 डेज के बाद में ही, मतलब उस रिक्वेस्ट के आंसर आने के 30 डेज बाद में दूसरी रिक्वेस्ट जो है डाल सकते हो। तो जैसे हमने इंस्टाग्राम पर ये रिक्वेस्ट डाली, वैसी की वैसी सेम आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगी आपके अकाउंट्स और वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में। उसी के साथ ही जो मुझे आपको बताना था कि अगर आपके पास वेरिफिकेशन बैज है तो कुछ कंडीशंस में वो कैंसिल भी हो सकता है। पहली चीज़, अगर आप अपना जो ये अकाउंट है इसका नेम चेंज करने की कोशिश करते हो तो ये जो वेरिफिकेशन बैज है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको ब्लू टिक अगर मिला हुआ है तो वो हट जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप बार बार अपने अकाउंट को पब्लिक या प्राइवेट इस तरह से करते हो तो भी आपका ये अकाउंट हट जाएगा। आप अपने अकाउंट का नेश चेंज करने की कोशिश करते हो या फिर कोई ऐसा कंटेंट डालने की कोशिश करते हो विच इज अगेंस्ट द कम्युनिटी गाइडलाइंस तो भी आपका जो है ये ब्लू टिक, जो इसे आप कहते हो, जिसे आप वेरिफिकेशन बैज हम कहते हैं, ये हट जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिफिकेशन बैज। लेकिन मैं बस आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि इट्स ऑल अबाउट ऑडियंस। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई अकाउंट आपको वेरिफिकेशन बैज या फिर ये ब्लू टिक दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि आप ट्विटर पर अगर आप देखोगे तो $5, $8 में आपको जो है ये मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो वेरिफिकेशन बैज है वो है ऑडियंस। अगर ऑडियंस आपसे खुश है ना तो आपको किसी वेरिफिकेशन बैज यानी किसी भी ब्लू टिक की जरूरत नहीं है। सो मेक श्योर करो ऐसा कंटेंट बनाओ जो कि ऑडियंस के लिए हो, उनको या तो आप कुछ एंटरटेनमेंट दे रहे हो या एजुकेशन दे रहे हो, क्योंकि ऑडियंस ही है आपका सबसे बड़ा वेरिफिकेशन बैज। क्योंकि इस वेरिफिकेशन बैज से आपको कोई फायदा नहीं होगा कमर्शियली या कैसे भी अगर मैं बात करूं, लेकिन ऑडियंस आपसे सेटिस्फाइड है, एक अच्छी कम्युनिटी है आपके पास, तो आप उनको अपनी ब्रांड, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज सेल करके भी काफी अच्छा फायदा उठा सकते हो। तो ब्लू टिक के पीछे यानी इस वेरिफिकेशन बैज के भरोसे नहीं बैठना है, सिर्फ इसी को ही पाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि आपको मेन जो एफर्ट देना है वो देना है अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने में। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। WS Cube Tech को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बिकॉज हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज एंड फ्री कोर्सेज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एंड इंस्टाग्राम का अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए वो भी फ्री, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सारी वीडियोज देखो क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स खास हमने आप ही के लिए बनाया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।